किसी भी स्टार्टअप के लिए फंडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अच्छे से अच्छे स्टार्टअप फंडिंग की कमी के चलते दम तोड़ देते हैं। अगर आपका स्टार्टअप भी फंडिंग की कमी से जूझ रहा है तो मैं आपको आज एक बहुत ही सरकार की शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसकी शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको तुरंत फंडिंग की जो आपकी दिक्कत है वो तुरंत दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले फंडिंग का फंडा आखिर है क्या, फंडिंग की ABCD क्या है, क्योंकि अक्सर आप अखबारों में देखते होंगे कि फलाना स्टार्टअप को सीरीज राउंड की ये फंडिंग मिल गई या फिर ये यूनिकॉर्न बन गया, इसकी वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई। तो आखिर ये फंडिंग का फंडा है क्या, मैं आपको पहले इसके बारे में समझा देता हूँ। तो देखिए, हमने इसको तीन हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप की बात करते हैं। बूटस्ट्रैप आखिर है क्या, देखिए ये सबसे पहला कदम है। अगर आपने अपनी मम्मी पापा से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से या फिर आपने खुद जॉब करके पैसा इकट्ठा किया है और अपने स्टार्टअप में निवेश किया है तो फिर ये बूटस्ट्रैप कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें किसी कंपनी का निवेश नहीं होना चाहिए। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, बूटस्ट्रैप की बात करते हैं। अब उसके बाद अगला कदम क्या है, अगला कदम है सीड फंडिंग। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सीड यानी कि बीज। तो आपने एक बीज बो दिया है, अब उसको नरिश करना है, उसको पौधा बनाना है। तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा देंगे एंजल इन्वेस्टर। ये जो होते हैं एंजल इन्वेस्टर, ये फंडिंग देते हैं। जब शुरुआती स्टार्टअप्स होते हैं तो उसमें ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं उसमें पैसा लगाते हैं और ये एकदम शुरुआती पूंजी होती है। बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती लेकिन शुरुआती पूंजी होती है जिससे स्टार्टअप को काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है अपने जो स्टार्टअप है उसको आगे बढ़ाने में, और उसको सीड मनी भी कहते हैं। चलिए, ये हो गया दो चीज़, बूटस्ट्रैप हो गया और सीड फंडिंग हो गई। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, सीरीज राउंड के ऊपर। देखिए अब क्या होता है, सीड फंडिंग के बाद सीरीज राउंड शुरू हो जाता है। इसको बांटा जो गया है वो ABCDEF, आगे भी ये राउंडिंग चलती रहती है। अक्सर आप देखते होंगे कि आपने अखबार में पढ़ा या टीवी में पढ़ा कि ये स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न बन गया। तो ये जो होता है उसमें क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो निवेश करते हैं, बड़े बड़े निवेशक होते हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए लगाते हैं किसी स्टार्टअप में। उससे क्या होता है, किसी स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन होती है वो बढ़ती चली जाती है और वो यूनिकॉर्न बन जाता है। तो ये तो बात हो गई कि फंडिंग के फंडे के बारे में। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जो सरकार की जो स्कीम है वो है क्या, जिसके बारे में आपको शुरुआत में बता रहा था, और कितनी आसानी से आप फंड जुटा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस स्कीम का नाम क्या है, तो स्कीम का जो नाम है मैं आपको बताऊं, जो सरकारी स्कीम है, इस स्कीम का नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। अब इसकी शर्तें क्या है, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको स्टार्टअप को DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से मान्यता लेनी होगी आपको। दूसरी चीज़, 2 साल से ज़्यादा पुराना स्टार्टअप नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी स्टार्टअप की शुरुआत करी है तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि उसको आपकी शुरुआत की, जब आपने इसको शुरुआत करी उससे कम से कम 2 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं हुआ हो, क्योंकि जब आप इस पॉलिसी के लिए, जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो वो ये चीज़ चेक करेंगे कि 2 साल तो आपको पूरे नहीं हो गए। उसके बाद अगला क्या है इसमें शर्त, देखिए 10 लाख से ज़्यादा आर्थिक सपोर्ट ना मिला हो। अब क्या होता है, जब स्टार्टअप शुरू होते हैं तो उनको क्या होता है कि वो फंडिंग के लिए कोशिश करते हैं, राज्य सरकारों से भी बात करते हैं जो उनकी स्कीम्स होती हैं, या फिर केंद्र सरकार की स्कीम्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टअप को वो निवेश मिल जाता है, वो फंड मिल जाता है। तो अगर आपको, आपके स्टार्टअप को 10 लाख रुपए से ज़्यादा का फंड मिला हुआ है तो फिर आप इस स्कीम के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इस स्कीम में आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। अब अगला क्या है इसकी शर्त, देखिए प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग 51% से कम ना हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि विदेशी स्टार्टअप आते हैं, भारत में अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो इसमें साफ तौर पर शर्त रखी है कि कोई भी भारतीय जो प्रमोटर होगा उसकी हिस्सेदारी स्टार्टअप में 51% से ज़्यादा होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अगली शर्त क्या है, देखिए कुछ स्टार्टअप को सरकार से वरीयता। अब ये शर्त नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सरकार का जो फोकस है कुछ स्टार्टअप, स्पेसिफिक स्टार्टअप्स पे काफ़ी ज़्यादा सरकार फोकस कर रही है, तो उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स को प्रेफरेंस दे रखी है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट। देखिए हम लोग देख रहे हैं लगातार जो हमारा जो एनवायरमेंट है उसको सुरक्षित बनाने के लिए पूरी दुनिया में प्रयास चल रहे हैं। तो जो वेस्ट जो है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कम कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट हो गया, आप देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, तो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्टअप्स आ रहे हैं और सरकार उनको सराह रही है और इसीलिए खास तौर पर प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अब उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े जो स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि देखिए सरकार, मोदी सरकार जब से आई तब से उसकी पूरी कोशिश है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा से बढ़ाया जा सके। UPI हो गया, या बैंकिंग ऐप से या बैंकिंग सिस्टम से ज़्यादा लोगों तक को जोड़ा जा सके। तो
दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर। हम देखते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअप्स को सरकार का पूरा फोकस है, सरकार सबसे पहले वरीयता दे रही है उनको, पहले ही मौका दे रही है उनको। हेल्थ केयर के स्टार्टअप्स हो गए या डिफेंस के हो गए, हम लोग देख रहे हैं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जो डिफेंस सेक्टर है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहे हैं वो हमारे स्टार्टअप्स निभा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि किन किन लोग किन किन स्टार्टअप्स को सरकार प्रेफरेंस दे रही है। और आखिरी जो है वो स्पेस, जैसे कि अभी हमने देखा स्काई रूट ने, देखिए प्राइवेट आपने देखा कि रॉकेट लॉन्च किया, तो ये भी स्टार्टअप ही हैं। तो इन ऐसे इस तरह के स्टार्टअप को जो बहुत ही ज़्यादा शानदार काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, इनोवेशन की मदद से, उनको मौका दिया जा रहा है। तो ये पूरी स्कीम का जो है लुभाव है। अगर आप चाहते हैं फंड पाना, तो अगर आप इन शर्तों पे खरे उतरते हैं तो आपको बेहद आसानी से ये फंड ये स्कीम के जरिए मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।